पूर्णिया कांग्रेस कमेटी के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कंचन कुमारी को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद कंचन कुमारी ने कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पूर्णिया के सदर थाना में कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत की है। आवेदन देने के बाद कंचन कुमारी ने बताया कि उनका किसी के साथ कोई विवाद नहीं है और उनके सामाजिक कार्यों को देखकर किसी ने राजनीति के तहत उन्हें डराने की कोशिश की है, किंतु वे सफल नहीं होंगे। आवेदन में 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 8 से 10 अज्ञात लोगों का जिक्र किया गया है। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष के लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। कैमरे के पीछे कुछ लोगों ने कहा कि एक ही नाम के कई लोग गांव मोहल्ले में हैं, बगैर पिता के नाम के और पता के कैसे पता चल पाएगा कि आखिर किनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के लिए शिकायत की गई है। इसीलिए वे लोग इस संदर्भ में कुछ नहीं बोलेंगे। जो अभियुक्त होंगे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, तभी मामला साफ हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते ही नहीं है। मामला ये है कि कल 9:30 बजे रात या 9:45 का समय हो रहा था रात का, और उसी समय दरवाज़ा खटखटाया गया तो बाहर निकले मेरे हस्बैंड, वो बुलाए और धमकी बड़ा शब्द में बोले कि मतलब तुमको यहाँ रहना है या नहीं रहना है, सो आप यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते हो, और अगर गाड़ी चला सकते हो इधर तो आप रेलवे स्टेशन के होकर के आओ, मेरा रास्ता तो खुशकीबाग मिलन पड़ा होके बनता है। और बोले क्या जो जब कभी भी देखेंगे गाड़ी के साथ चलते हुए तो गाड़ी वाला और गाड़ी दोनों ही मिट्टी में गाड़ देंगे, सो यहाँ ये सब नहीं चलेगा, जो अपने मनमानी या कोई भी चीज़ कर रहे हैं ये सब नहीं करने देंगे। उनको क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत पता नहीं, हमें तो कभी भी उनसे ना कोई बातचीत है, कभी भी नहीं। आज हम 10 साल से समथिंग जानते हैं, ना उन्होंने कभी हमें टोका ना हम कभी उनको टोके हैं। उन सभी व्यक्ति को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पहचानते हैं, और लेकिन कभी हमारे साथ उनका कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। हो सकता है कि राहत वितरण हम लोग मिलन पाड़ा खुशकी बाग में किए हुए हैं तो उस हिसाब से कुछ उन लोगों को कष्ट पहुंचा हो, पर हम तो समाज में गरीबी को देखते हुए ये सब वितरण कर रहे हैं कि मतलब कोई भूखा ना सोए, और करते हैं, करते भी रहेंगे। अच्छा, तो उन लोग को लग रहा है कि आप सामाजिक काम क्यों कर रही हैं? जी जी, उससे कुछ इस तरह का विवाद कभी नहीं रहा? नहीं, कभी भी नहीं रहा। अच्छा, इन लोगों के साथ में कुछ और लोग भी थे? हाँ, अज्ञात लोग थे जिसको मतलब हम पहचान रहे हैं पर नाम नहीं जान रहे हैं। तो अभी थाना क्यों आए थे आप? थाना आए थे कंप्लेंट करने के लिए, एक सनाह देने के लिए कि आने वाले दिन में हम अकेले रहते हैं उधर, मतलब एकदम नदी किनार में घर है, कल दारू पी करके कोई भी आके मेरे घर में हुड़दंग मचा सकता है कभी भी। तो इस घटना के पीछे क्या लगता है, कुछ न कुछ राजनीतिक? हाँ जी जी, हाँ राजनीतिक है, कुछ न कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि हमें किसी से लेना देना कभी भी रहा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, और अभी एट ए टाइम इस तरह से किया जा रहा है मेरे साथ। अभी आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं यहाँ? यहाँ कांग्रेस टीम के सारे सदस्य हैं, अध्यक्ष जी हैं, और हम महिला जिला अध्यक्ष हैं, बंटी पोदार हैं, और सनी भाई जी हैं। तो ये सब मिल करके आए हैं? जी जी हाँ। थाना में आप लोगों ने आवेदन दे दिया है? जी। हेलो, भारती लोटस इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप LKG UKG एंड स्टैंडर्ड 1 हरियाप सीट्स आर लिमिटेड। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, आर्ट्स म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, किड्स अराइवल अलर्ट्स, लंच फैसिलिटी। आवर एड्रेस रामनगर ओफ्रेल रोड बाईपास पूर्णी। सीमांचल का गौरव जेसी व्हाट आई सी व्हाट अ फ्यूचर। पटना के बाद अब पूर्णिया में LG का ब्रांडेड शोरूम, ओवन, फ्रिज, टीवी एवं AC और मनोरंजन का खजाना। HD टीवी, 2D और 3D स्लिम टीवी और बदले सिनेमा की तस्वीर 3D में, आपको बनाए स्मार्ट। AK ट्रेडर्स, जमा मस्जिद रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया।